हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लाखों वाहन मालिकों को दी है बहुत बड़ी राहत। हाँ जी दोस्तों, लाखों वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। जैसा कि आप सभी भाई जानते होंगे कि BS6 की गाड़ियों पर जो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी वाहन मालिकों को, चाहे वो लोडिंग गाड़ी हो, पैसेंजर गाड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों प्रकार की गाड़ियों को, जो BS6 की गाड़ियां हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर राहत दी है। तो दोस्तों, क्या राहत दी है, इसके ऊपर हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार ड्राइवर संबंधित समस्त जानकारियां इस चैनल पे देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको सारी खबर अभी बताता हूं। देखिए, यहां पे लिखा है लाखों गाड़ियों के मालिकों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने BS6 हल्के और भारी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की दी अनुमति। हाँ जी दोस्तों, BS6 लाइट एंड हैवी डीजल व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्के और भारी डीजल BS6 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी। यह परमिशन उन गाड़ियों के लिए दी गई है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं या तो लोडिंग वाली होती हैं, उनका उपयोग होता है, या फिर किसी दवाई वगैरह या अन्य किसी इमरजेंसी सर्विस में लगी हैं, उनको यह अनुमति दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ, न्याय मित्र के रूप में नियुक्त सीनियर एडवोकेट ADN राव ने जस्टिस BR गवई के साथ ही जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने प्रस्तुत किया कि BS6 हल्के और भारी डीजल गाड़ियों का उपयोग पब्लिक यूटिलिटी और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है। बेंच ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालती आदेश ना मांगे। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इन गाड़ियों को कोई व्यक्ति खरीदता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको कोर्ट के आदेश को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही डीलर जो है वो कोर्ट का आदेश मांग सकता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ इन वाहनों को मिली परमिशन। बेंच ने कहा, हमारा विचार है कि सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं को BS6 हल्के और भारी डीजल वाहनों के संबंध में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है। बेंच ने जोर देकर कहा कि पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालत के आदेश पर जोर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाने वाली राहत BS6 की, पैसेंजर और माल ढोने वाली गाड़ियों को ऊपर, चाहे छोटी हो बड़ी हो। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप BS6 की गाड़ी अब खरीदना चाहते हैं और उसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।